बेटा तू जा, कोई भी आ जा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं मारेगा, मेरा बच्चा एक बार आ जा मेरे पास, कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुझे जो चाहिए सब मिलेगा, मेरा बच्चा एक बार आ जा, मेरा बच्चा दे दो गरीब की झोली में। मीरा रोड के क्लस्टर बिल्डिंग में रहने वाले 14 वर्षीय मयंक नामक बच्चे को किडनैप कर परिवार वालों से मयंक के ही मोबाइल से फोन कर 35 लाख रुपए की मांग की है और पैसे ना मिलने पर मयंक की चाकू मार कर दरिंदों ने हत्या कर दी, जिससे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल और पास पड़ोस के इलाके में मातम सा छा गया। पास पड़ोस के लोगों और परिवार वालों ने जान के बदले जान लेने की भी बात कही। देखिए पूरी खबर। हर एक सोशल एक्टिविटी सोसाइटी के हर एक काम में आगे आता था, लेकिन संडे के दिन जब वो मिस हुआ 7 बजे के बाद क्लस्टर में वापस आया नहीं, तो हमने रात भर उसकी खोज की। हम बिल्डिंग वाले सब मिलकर उनकी स्कूटी में बाइक में हम सब उनका खोज, हमको कहीं मिला नहीं। और मुझे लगता है ये कुछ बहुत बड़ा ड्रग माफिया है और पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मयंक का जो भी कातिल है, मयंक के साथ जिसने भी ये दुर्घटना की है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये तो हम सारे क्लस्टर के लोग जा जान के बदले जान ही चाहिए। अपने तो छोटे से बच्चे के साथ इतना ऐसे इतना, उसने बोला कि मैं बता दूंगा, तुमने मुझे खा लिया तो उसको मतलब मारी डाला। 13 साल का था बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसका गला दबा दिया, उसको मारा और फिर बाद में उसको चाकू भी मारा। इतना इस तरीके से तो ये सब नहीं चलेगा। उम्र गया तो कुछ नहीं होता है, ये सब जान ली गई तो जान के मतलब जान ही होनी चाहिए। ये रूल चेंज होना ही चाहिए, हमको जान ही चाहिए। और हम जाएंगे, हम वहीं पे खड़े रहेंगे, रैली लेंगे, हम लोग सब पूरी बिल्डिंग सबके सब लेके जाएंगे। एक बच्चा गया है, लाइफ है ये, जिंदगी इतनी इजी नहीं होती है। मैंने मेरा भाई अभी कुछ टाइम पहले खोया, आई नो द पेन। मेरा छोटा भाई था मयंक, उसके साथ जो उसके साथ वही होना चाहिए। कानून नहीं करे तो हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, 100% करेंगे। जय हिंद।